खून की कमी। आज मैं देखता हूँ जो मेरे दुकान में कस्टमर आते हैं उनमें 50% लोगों को खून की कमी होती है। खून की कमी होने की वजह से लोगों में वीकनेस होने लगती है और फिर कमजोरी आने से उनको चक्कर वगैरह आने लगते हैं। खून की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो लोगों का जो है खान पान का हिसाब सही नहीं होता है और वो लोग काम में बिजी रहते हैं जिसकी वजह से वो खान पान सही नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। आज हमारी जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको खून की कमी हो गई है और वो इन चीज़ों से उभरना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं। खून की कमी कोई एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये हर किसी को हो जाता है अगर हम खान पान सही ना रखें तो। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम अपनी खून की पूर्ति कर सकते हैं पूरी पूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे मेडिसिंस। मेरा नाम है अजीत कुमार राज और मैं हूँ एक मेडिकल स्टोर ओनर। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो। मैंने बनाई थी प्लेटलेट्स पर, जिन लोगों की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, टूटने लगती हैं, उन लोगों के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। जैसे किसी को डेंगू हो जाता है या बुखार होता है तो उसमें प्लेटलेट टूटने लगती हैं, तो जब प्लेटलेट टूटने लगती हैं तो फीवर और बढ़ता है, तो उन लोगों के लिए मैंने प्लेटलेट किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में तो वो वीडियो ज़रूर देखें, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आगे की बात करते हैं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो उन लोगों के लिए लाया हूँ जो लोग खून की कमी से परेशान हैं, जो कि उनके शरीर में खून की कमी होने की वजह से उनको चक्कर आता है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो आया है। आज मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और एंड तक मेरी वीडियो देखें, ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से अपना खून की कमी को दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि खून की कमी इसलिए होती है क्योंकि लोगों का खान पान सही नहीं होता। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो लोग काम तो खूब करते हैं लेकिन जिस तरीके से डाइट लेनी चाहिए वो डाइट नहीं ले पाते हैं, इसलिए खून की कमी होती है। कुछ हद तक पेन किलर भी है, जो लोग रोज़ाना पेन किलर खाते हैं उनकी वजह से भी हो जाता है ये प्रॉब्लम कि ब्लड कम हो गया, या जो लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं उनकी वजह से भी होता है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ब्लड की पूर्ति करने के लिए मैं जो प्रोडक्ट लाया हूँ आज वो एक सिरप है और उस सिरप से हम बहुत ही हद तक अपना आयरन बढ़ा सकते हैं, शरीर की खून की कमी को दूर कर सकते हैं। तो हम ये समझ लीजिए आप लोग कि खून की कमी जो है वो 100% ख़त्म होगी। और जो लोग खून की कमी से होता है क्या ना कि रंग भी काला पड़ने लगता है, चेहरे की ग्लो भी जाने लगती है। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब जो है हम प्रॉपरली ऐसा प्रोडक्ट लाएँ जो कि आपकी खून की कमी को दूर कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हम यूज़ करके सिरप को पी के और अपना जो है ब्लड को बढ़ा सकते हैं, शरीर में खून की कमी को दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा सिरप है और किस तरीके से हमें यूज़ करना है, आइए जानते हैं। यह है वो सिरप, आयरन रेड, इसका नाम नोट कर लीजिए, आयरन रेड नाम है इसका और इसे न्यूकाइंड कंपनी बनाती है, बहुत ही बेहतरीन सिरप है ये। इस सिरप से आप 15 दिन में काफ़ी हद तक अपना ब्लड ग्रोथ कर सकते हैं, देख लीजिए। मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, इसका प्राइस बता देता हूँ पहले। इसका प्राइस है 95 रुपये का सिरप है और हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आइए मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ कैसा है। ये देख लीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं इसे हमें कैसे यूज करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय सिंह, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आइए जानते हैं कि उस सिरप के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार उपयोग हैं। डॉक्टर हूँ, आइए जानते हैं कि उस सिरप के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार उपयोग हैं। अमोनियम सिट्रेट है, फॉरिक एसिड है एंड
विटामिन बी12 है जो हमारे ब्लड को बनाने में काफ़ी मददगार है। आइए जानते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसको 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद पीना है, और साथ में आप फल फ्रूट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जाना किस तरीके से हम ये सिरप यूज़ करके अपना ब्लड बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सिरप को पिए और फल फ्रूट लीजिए, यह आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही, अगली वीडियो फिर मैं लाऊंगा जल्द से जल्द। थैंक यू।